सरकार था, अगर तुम लोग का तो पूरा सारा शासक लोग इबरत लेता जब जो उसका हुकूमत था आप कहाँ थे कल? कल आपको खोज रहे थे। तो लॉकडाउन तोड़ने वाले तो पहले यहाँ का सांसद जो है, स्थानीय सांसद जो दिल्ली से सब परिवार बाइक कार आ गए और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं हुआ। जब दिल्ली से रांची आए हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन हुआ है उसमें, और क्वारंटाइन हुए हैं। जबकि एक मजदूरा अगर आता दिल्ली से तो पहले उसको पंचायत भवन में रह के क्वारंटाइन करता लोग, और सांसद आएगा तो उसको क्वारंटाइन नहीं होगा। नहीं, देखिए उनका पूरा दिखावा है, पूरा वो एक जो कहा जाता है नौटंकी, वो नौटंकी इस आपदा की घड़ी में वो नौटंकी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि कोरोना आया कहाँ से, कोरोना किसके कारण से आया। उनको तो अनशन करना चाहिए था, फिर प्रधानमंत्री के को बोलना चाहिए था, उनके खिलाफ अनशन करना चाहिए था, लेकिन उन नहीं बोल रहे हैं। कोरोना जब चीन में हुआ, चीन से जब स्टार्ट हुआ तो लोगों को पता था कि चीन में इतना बड़ा महामारी फैल रहा है और चीन के अलावे और देश में भी जा रहा है। जब यहाँ जनवरी में ही डिटेक्ट हो गया था एक केस, तो उन प्रधानमंत्री को तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए और उसको इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल करना था, पूरे इंटरनेशनल फ्लाइट को कैंसिल कर देते, उससे एक भी कोरोना पेशेंट हमारे यहाँ एक भी कोरोना नहीं होता। हम लोग जो अभी लॉकडाउन हुआ है इसके चलते हम लोग के इतना अर्थव्यवस्था पे असर पड़ रहा है, हम लोग इतना पीछे चले जा रहे हैं, ये सब नहीं होता। ये तो ड्यू टू हमारे देश के प्रधानमंत्री के कारण हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, जब हो गया उसके बाद वो क्या कर रहे हैं कि थाली बजाओ दिया जलाओ, ये सब उनका नौटंकी है और हमेशा से वो करते रहते हैं। हमेशा वो कुछ ना कुछ खोजते हैं कि जिससे हम पब्लिक के सामने आके अपना चेहरा बरकरार रखें। तो ये अब उनका सब कुछ समझ गया है, वो देश के लोग समझ गए हैं कि वो क्या करते हैं। पहले तो नोटबंदी किए, उसमें आ गया आपका ये पुलवामा कांड हुआ, जब पुलवामा कांड हुआ उसके बाद चुनाव हुआ देश में, तो सब जगह वो बोल पुलवामा का ही बात करते रह गए, विकास का बात कभी नहीं किया। इसलिए वो इनका पूरा नौटंकी है और वो हमेशा से ही नौटंकी करते रहे हैं, अब उनका लास्ट हो रहा है, अंत हो रहा है। अब देखिए, कंप्लीट प्रोपेगेंडा है, सिर्फ दिखावा है। जब इनकी सरकार यहाँ पर थी तो इस तरह का या किसी तरह का पालन तो ये कर नहीं रहे थे, और अब जब बारिश अच्छी सरकार गरीबों के हक की बात करते हुए काम कर रही है तो इन्हें तकलीफ हो रहा है, ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपना रही है। क्यों उत्तर प्रदेश में जो अभी कोटा से बच्चों को लाया जाए इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, इसमें कोई इनके MP एक भी बैठ करके या इनके एक भी विधायक बैठ करके उसके खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं थी, क्या उन योजनाओं का इनके खुद के MP और MLA पालन करते हैं? इसका एग्जाम्पल मैं अपने झारखंड के रांची के MP के बारे में बात करूं तो आप देख लीजिए क्या हुआ। 100 परिवार वो दिल्ली से गाड़ी में आते हैं और वो अभी तक क्वारंटाइन में भेजे नहीं जाते हैं। आप इसको क्या कहेंगे? क्या प्रधानमंत्री के चीजों का पालन हो रहा है, प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये किसी और को ज्ञान ना दे। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर सर्कुलर रोड।